हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन हाई स्कूल क्लासेस। तो आज आम वीडियो रे डिस्कस करिबा कौन धातु व अधातु। तो देखो आमर जो लास्ट वीडियो रे तो आम धातु व अधातु रो पार्ट वन आम कंप्लीट करते। तो से आम कौन पढ़ी धातु व अधातु मान कौन एवं धातु व अधातुर भौतिक धर्म विषय में डिटेल्स पढ़ी। तो यहाँ पढ़ी आम केवल भौतिक धर्म अनुजाई धातु व अधातु को आम श्रेणी विभाग करना। तो कौन आम रासायनिक धर्म को निर्भर करी रासायनिक धर्म अनुजाई आम धातु व अधातुर श्रेणी विभाग कर। तो आज आम वीडियो रे डिस्कस करिबा धातु व अधातुर रासायनिक धर्म। तो वीडियो स्टार्ट करिबा। देख धातु और अधातुर रासायनिक धर्म पढ़िया पूर्व तुम बही देख ता पूर्व गोटे तुम्हें काम अच्छी। तो तुम्हें काम 3.8 रे तो कौन अच्छी देखिबा। देख गोटे मैग्नीशियम फिता एवं किसी सल्फर पाउडर नियो। मैग्नीशियम फिता को जलाइबा परे पाउंश संग्रह करी जल रे द्रवित कर। उत्पन्न द्रवण को नाली व नील लिटमस कागज द्वारा परीक्षा कर। तो फास्ट आम ने मैग्नीशियम फिता एवं सल्फर पाउडर को आम ने। तो देख फास्ट आम कौन ने मैग्नीशियम फिता। देख तो सल्फर कथा आम पर विचार करवा। तो फास्ट देख मैग्नीशियम को आम कौन आम जलाइबा। तो ताहले कौन देख तो जदि आम मैग्नीशियम को जलाइबा ताहले कौन सी ऑक्सीजन सहित प्रतिक्रिया कर। तो ये आम जाने यार संकेत आम बारंबार करे। तो मैग्नीशियम हूँ कौन जदि ऑक्सीजन सहित प्रतिक्रिया कर एम जी है ऑक्सीजन मान कौन ओ2 सहित जब प्रतिक्रिया कर कौन उत्पन्न हम एम जी ओ उत्पन्न हम बुझिप। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जदि मिसला मैंने कौन हम एम जी ओ मान यहाँ हूँ तुम कौन मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न हम बुझिपार। तो यहाँ हूँ कौन गोटे धला पाउँशा। देख जदि आम मैग्नीशियम को जदि आम कौन जलैबा ताहले कौन गोटे धला पाउँश सृष्टि हम ताको आम कौन कह मैग्नीशियम ऑक्साइड बोली कहबा। ताहले देख ए जो धला पाउँश मैग्नीशियम ऑक्साइड को आम कौन जल सह प्रतिक्रिया करवा आम जल में बुड़ेबा। तो से जो द्रवण को आम नील लिटमस एवं लाल लिटमस नहीं आम परीक्षा करवा। तो देख तो एम जी ओ मैंने कौन मैग्नीशियम ऑक्साइड तो आपको आम कौन जल सह प्रतिक्रिया करुच्छे एम जी ओ प्लस कौन H2 H2 मान हूँ कौन जल ताल कौन उत्पन्न हम एम जी ओ एच रोल 2 मान मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न हम। ताहले ये जो द्रवण में आम नील लिटमस एवं लाल लिटमस नहीं आम परीक्षा करवा। तो देख ये मैग्नीशियम हूँ कौन गोटे धातु। तो आम आगुरी पढ़ी कौन धातव ऑक्साइड गुड़ाक हूँ कौन क्षारिय प्रकृतिर एवं अधातव ऑक्साइड गुड़ा हूँ कौन अम्लीय प्रकृतिर मान ये मैग्नीशियम हूँ धातु ताहले कौन ये क्षारिय प्रकृति ये जो द्रवणटा कौन क्षारिय प्रकृतिर होती क्षारिय है मैंने कौन नील लिटमस लाल हम ना लाल लिटमस नील हम। तो ये कौन हम लाल लिटमस नील रंग में परिणत हो। तो ये कौन हम ये जब परीक्षा करिया कौन लाल लिटमसटा कौन हम नील रंग में परिणत हम बुझा पड़ी। तो ये कौन धातु ऑक्साइड गुड़ाक हूँ कौन क्षारिय प्रकृतिर। तो नेक्स्ट आम कौन कही सल्फर पाउडर नापी कही ना देख तुम बहरे कौन दे वर्तमान सल्फर पाउडर को जाली उत्पन्न होता धूआं को एक परीक्षा नल संग्रह कर यही परीक्षा नल किसी जल मिसाई यह जोर से हल्ला दि यही द्रवण को नील एवं लाल लिटमस कागज बुड़ाई परीक्षा कर। तो देखो आम सल्फर पाउडर ने तो से सल्फर पाउडर को जब जाली तेल से जो धूआ बाहर से धूआ को आम कौन गोटे परीक्षा नल किसी जल मिसाई से धूआ को से भर्ती करी जोर से आम कौन हल्लवा। तो से ही द्रवण को आम नील लिटमस और लाल लिटमस कागज नहीं आम परीक्षा करवा। तो देख आम कौन ने सल्फर ने तो सल्फर जो कौन जालिया मैंने कौन सी ऑक्सीजन सहित प्रतिक्रिया कर कौन उत्पन्न हम SO2 उत्पन्न हम बुझिपार। तो नेक्स्ट कौन जो SO2 जो धूआ उत्पन्न होती आम कौन गोटे परीक्षा नल जल भर्ती करी से धूआ को आम कौन से प्रवेश करवा और जोर से आम हल्लवा मैंने देख ये तुम कौन SO2 जल सह प्रतिक्रिया कर SO2 जल सह प्रतिक्रिया कर तुम कौन उत्पन्न हम H2SO3 माने यहाँ हूँ कौन सल्फ्यूरस एसिड बुझिपार। देख तो ये कौन सल्फर डाइऑक्साइड को कौन आम जल सह प्रतिक्रिया कर तुम कौन उत्पन्न होती सल्फ्यूरस एसिड उत्पन्न होती माने देख ये एस हूँ कौन गोटे अधातु। तो यहाँ हूँ कौन अधातु तो ताल देख अधातु गुड़ाक हूँ कौन अधातु ऑक्साइड गुड़ाक हूँ कौन अम्लीय प्रकृतिर। तो ये तुम जो द्रवण उत्पन्न होगा तो सीटा हूँ कौन अम्लीय प्रकृतिर ताल ये कौन हम नील लिटमसटा लाल लिटमस परिणत हो। तो ये कौन हम नील लिटमस लाल लिटमस परिणत हो बुझा पड़े ना। तो ये दुईट सिद्धांत पहुँचले सीटा हूँ कौन धातव ऑक्साइड गुड़ाक हूँ कौन क्षारिय प्रकृतिर एवं अधातव ऑक्साइड गुड़ाक हूँ कौन अम्लीय प्रकृतिर बुझा पड़ी। तो बर्तमान देख तुम बही किसी प्रश्न पचराई तो कौन देख देखा
गोटे धातुर उदाहरण दि जहाँकि साधारण तापमात्रा तरल अटे। देख साधारण तापमात्रा तरल धातु हूँ कौन पारद, तो ये आंसर कौन पारद हम। तो सब धातु गुड़ा कौन कठिन शक्त हो रही है कितु पारद हूँ कौन साधारण तापमात्रा से तरल अवस्था रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सहजरे छुरी में कटा जा पार, तो ये आम डिस्कस करते ना। तो सहजरे छुरी में आम क्यों धातु काटिपर सोडियम को आम सहजरे काटिपर, तो आंसर कौन सोडियम हम। तो नेक्स्ट देख ताप सुपरिवाही, तो गोटे धातु आम नाम कहप सुपरिवाही, तो ये आंसर कौन हम देख, तो ये लुहा हो पारे कि आलुमिनियम हो पारे कि सिल्वर हो पारे है, तो ये सब लिख। तो नेक्स्ट देख तापर कुपरिवाही, तो देख आम साधारण जाने कौन धातु गुड़ाक हूँ कौन ताप सुपरिवाही, कितु एमती गोटे धातु अच्छी तो सीटा हूँ कौन ताप कुपरिवाही, तार आंसर हूँ कौन लेड बा पीबी, बुझिपार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख नमनीय एवं तन्यर अर्थ बुझाओ, तो आम जाने नमनीय हूँ कौन धातु को जदि आम बाड़े जदि पतला चदर आकार परिणत है कौन कह नमनीयता कह। तो से हीपरी तन्यता हूँ कौन धातुर जो तार बाहर गुण को आम कौन कह तन्यता कह, बुझिपार। तो बर्तमान देख आम देखा धातुर रासायनिक धर्म, तो देख बर्तमान आम देखा धातुर रासायनिक धर्म। तो देख फास्ट आम रोच कौन धातु को जदि आम बायुरे दहन करवा कौन हम आम देखा। तो देख तुम बहरे कौन कौन नमूना गुड़ा नहीं देखा आलुमिनियम तंबा लुहा लेड मैग्नीशियम जिंक एवं सोडियम आदि धातुर नमूना संग्रह करवा। तो देख आम विभिन्न प्रकार धातुर नमूना संग्रह करवा, तो तुम्हें कम 3.8 रु तुम्हें जान लो मैग्नीशियम फिता बायुरे जलिले एक धला उज्जवल शिखा उत्पन्न कै। तो बर्तमान आम पढ़ले तो मैग्नीशियम फिता को जदि आम कौन जलाइबा जदि अक्सीजेन सहित प्रतिक्रिया कराइबा ताहले तुम कौन जो धला उज्जवल शिखा उत्पन्न होती आम कौन मैग्नीशियम ऑक्साइड बोली कहिबा। ताहले प्रत्येक धातु यहीपरी प्रतिक्रिया करे कि, तो बर्तमान आम देखिए देख तो जमी मैग्नीशियम जमी प्रतिक्रिया करा तो से हीपरी प्रत्येक धातु गुड़ाक प्रतिक्रिया कर ना, तो आम तुम्हें कम मध्यम आम बुझा। तो देख देखा तुम्हें कम 3.9, तो ऊपर दिया जेकोसी धातुर नमूना को चिमुटे धरी निरे जलाइबा चेस्टा कर। तो आम देख विभिन्न प्रकार धातु गुड़ाक आम प्रथम नहींचे, तो से गुड़ाक आम कौन करवा चिमुटे धरिकी, तो प्रत्येक धातु को आम कौन गोटे गोटे करें जलैवा। तो जलैला कौन देख सृष्टि होता उत्पाद गुड़िक संग्रह कर, जलियापर आम जो उत्पाद गुड़ाक आम कौन संग्रह करवा। तो नेक्स्ट धातुर पृष्ठ एवं उत्पाद को थंडा होगा दि, तो नेक्स्ट कौन जलियापर तार पृष्ठ एवं उत्पाद को आम कौन थंडा करने को देवा। तो नेक्स्ट देख क्यों धातु सहजरे जलिला, तो आम देख विभिन्न प्रकार धातु गुड़ाक नहीं आम कौन कले आम जलिले, तो आम देखा क्यों धातु सहजरे जलिला आँ धातु जलिला ना, तो आम सब आंसर आम पाइबा देख। तो नेक्स्ट देख धातु जलियापर के रंगर शिक्षा देख ल, तो बर्तमान देख आम जो सब धातु गुड़ाक आम जलिले तो प्रत्येक क्षेत्र में क्यों रंगर शिक्षा आम देखिले। से हीपरी धातु जलिला यार पृष्ठ किपर देखाला, धातु जलियापर तहार पृष्ठ क्यों कलर बा क्यों वर्ण में परिणत है, तो सब जाक आम जानवा। नेक्स्ट अक्सीजेन सहित प्रतिक्रियाशीलतार ह्रास कम धातु गुड़ी को सजाई लिख। नेक्स्ट कौन आम जो धातु को आम जलाऊे मीन तार अर्थ हूँ कौन आम धातु को अक्सीजेन सहित प्रतिक्रिया करुचे, तो से जो प्रतिक्रियाशीलतार ह्रास कम अनुसार आम धातु गुड़ाक आम सजेबा। नेक्स्ट देखिए उत्पाद गुड़िक जल में द्रवीभूत कि, तो देख बर्तमान जितेटा क्वेश्चन आम पढ़ले तो से सब क्वेश्चन रनसर बर्तमान आम पाइबा। तो देख कौन देखिए अधिकांश धातु अक्सीजेन सह प्रतिक्रिया कर धातव अक्साइड सृष्टि करे, तो देख आम जी धातुर नमूना ने तो प्राय अधिकांश धातु कौन अक्सीजेन सहित प्रतिक्रिया कर धातव अक्साइड सृष्टि कर, मैंने देख आम फास्ट पॉइंट आम पाइले कौन धातु गुड़ाक कौन धातु अक्सीजेन सहित प्रतिक्रिया कर ऑक्सीजन सह प्रतिक्रिया करी कौन उत्पन्न होची धातव ऑक्साइड उत्पन्न हबो, धातव ऑक्साइड उत्पन्न हबो। उदाहरण होची कौन Mg+O2 गिव्स राइज टू कौन MgO। देखो यहाँ हूँ गोटे धातु ऑक्सीजन सहित प्रतिक्रिया कला धातव ऑक्साइड तुम ये कौन मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होची, तो से हीपरी तुम बही में उदाहरण दे देख कपर वायुर उपस्थित उत्तप्त हेले ऑक्सीजन सह मिसी कला रंगर कपर 2 ऑक्साइड सृष्टि करे। तो देख ये कपर माने होची कौन तंबा, तो तंबा वायुर उपस्थित ऑक्सीजन सहित प्रतिक्रिया करी से कौन कपर 2 ऑक्साइड सृष्टि कर, तो से कौन कला रंगर कपर 2 ऑक्साइड सृष्टि कर, माने देख तो लिखा CU कपर होची कौन ऑक्सीजन सह प्रतिक्रिया कर, तो से कौन उत्पन्न कर कपर 2 ऑक्साइड, माने कौन आम लिखा CuO कपर ऑक्साइड। तो देख तुम जो कपर 2 ऑक्साइड
ऑक्साइड माने तो सेटा होचे ऑक्सीडेंट रो 2 सेटा तो सेटा हमें पहले डिस्कस करबा तो एडी कोन कॉपर ऑक्सीजन सह प्रतिक्रिया करला तो कोन उत्पन्न होची कॉपर ऑक्साइड उत्पन्न होची तो जदी हमें इक्वेशन गुटा को जदी हमें बैलेंस करबा ताहाले एडी तमरो कोन हबो एडी तमरो 2mg हबो एडी तमरो कोन 2mg हबो तो सेही पर एठी कोन 2cu एठी भी कोन 2cu ओ हबो बुझा पडची तो देखो एडी जो कॉपर ऑक्साइड जो उत्पन्न होची तोडा होची कोन कोला रंगर हेथिबो तो हमर देखो क्वेश्चन रे पचार छै नै तो केऊ रंगर शिक्षा उत्पन्न होची बोली तो एठी हमें आंसर पाले कोन कोला रंगर जदी हमें कॉपर को जदी हमें कोन ऑक्सीजन सहित प्रतिक्रिया करबा ताहाले कॉपर ऑक्साइड होची कोन कोला रंगर उत्पन्न हबो तो नेक्स्ट देखो तमरो आगुडे उदाहरण कोन दिछि तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन सह मिसी एल्युमिनियम ऑक्साइड सृष्टि करे तो देखो एल्युमिनियम माने होची कोन एएल तो एएल कोन ऑक्सीजन सह प्रतिक्रिया करबो प्रतिक्रिया करले कोन उत्पन्न हबो Al2O3 उत्पन्न हबो तो एल्युमिनियम ऑक्साइड उत्पन्न होची तो आको जदी हम बैलेंस करबा 4-3-2 बुझा पड़ी कि तो देख युव कौन धातु गुड़ाक आम अक्सीजेन सह प्रतिक्रिया करुचे तो आम कौन धातव अक्साइड उत्पन्न होती तो नेक्स्ट देख कौन दे कॉपर ऑक्साइड किपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सह प्रतिक्रिया करे ता हमें द्वितीय अध्याय रे हमें पढ़ीचे तो हमें पढ़ी ना देखो कॉपर ऑक्साइड जदि हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित जदि हमें प्रतिक्रिया करबा ताहले तमरो कोन उत्पन्न हबो कॉपर क्लोराइड उत्पन्न हबो ता सहित तमरो कोन जल उत्पन्न हबो माने देखो कॉपर ऑक्साइड माने होची कोन CuO तो CuO होची कोन हाइड्रोक्लोरिक एसिड माने HCl सहित जदि प्रतिक्रिया करबो ताहले कोन उत्पन्न हबो CuCl2 + H2O उत्पन्न हबो बुझि पाछ तो एडा हमें डिस्कस करिथिले तार अर्थ होची कोन देख तो एडी धातव ऑक्साइड गुडाक क्षारीय प्रकृतिर आमे जानिचु जे धातव ऑक्साइड गुडाक क्षारीय प्रकृतिर तो आमे पढिचे नै धातव ऑक्साइड गुडाक होची कोन क्षारीय प्रकृतिर तो वर्तमान देख आमे देखिबा आउडे इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन एम्पोटेरिक ऑक्साइड कहाँ कहा जाए तो देख तुम्हारा बहरे कोन देची मात्र किसी धातव ऑक्साइड जथा एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड उभय अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति प्रदर्शन करिथांती किंतु किसी धातव ऑक्साइड अछंती उदाहरण होची कोन एल्युमिनियम आ जिंक उदाहरण होची कोन एल्युमिनियम आ कोन जिंक तो एमानंकर जो धातव ऑक्साइड होची कोन उभय अम्लीय प्रकृति एवं क्षारीय प्रकृतिर गुण प्रदर्शन करिथांती तो ताहाले सेमानंक आमे कोन कहबा एम्पोटेरिक ऑक्साइड बोली आमे कहबा बुझि पार्छ तो एम्पोटेरिक ऑक्साइड कहा कहबा जेउ धातव ऑक्साइड उभय अम्ल व क्षार सह रासायनिक प्रतिक्रिया करि लवण व जल उत्पन्न करे ताहाकु आमे कोन कहबा एम्पोटेरिक ऑक्साइड बोली कहबा तो देखो ये मुझे लिखी देती जो धातव ऑक्साइड उभय अम्ल सह व क्षार सह रासायनिक प्रतिक्रिया करि लवण व जल सृष्टि करे ताहाकु उभयधर्मी ऑक्साइड बा एम्पोटेरिक ऑक्साइड बोली कहा जाए तो देखो ये मुझे एग्जांपल दे दी तुम्हारे देख Al2O3 माने कौन एटा हूँ एल्युमिनियम ऑक्साइड रूप बाटी कौन धातव ऑक्साइड तो धातव ऑक्साइड कौन अम्ल देखो ये HCl माने हूँ कौन अम्ल सह प्रतिक्रिया करछि एटा हूँ कौन अम्ल देखो हमें लिखिदा आम जानचे कौन अम्ल प्लस क्षारक अम्ल प्लस क्षारक जदि मिसला मैंने कौन उत्पन्न हम लवण प्लस कौन जल उत्पन्न हम ये जानी सी ना तो आम कौन सेकेंड अध्याय आम पढ़ीचे अम्ल प्लस क्षारक जदि मिसला मैंने कौन जो रासायनिक प्रतिक्रिया है मीनस लवण और जल उत्पन्न हम ताल देख तो यहाँ हूँ कौन धातव ऑक्साइड बुझिपार धातव ऑक्साइडा क्या सह प्रतिक्रिया कला अम्ल सह प्रतिक्रिया कला ताल कौन तुम यहाँ हूँ कौन लवण उत्पन्न होती तुम HCl3 लवण उत्पन्न होगा प्लस कौन जल उत्पन्न होती मानते देख तुम ए दुटा को नोटिस कर तो ये देख तुम अम्ल को अम्ल अच्छी नेक्स्ट कौन लवण को लवण अच्छी जल को जल अच्छी ताल कौन अम्ल में कौन मिसले तुम लवण जल उत्पन्न होती क्षारक माने देख तुम ये धातव जो ऑक्साइडा ये तुम कौन क्षारक रूपे काम कर एटी कौन क्षारक रूपे काम करुचे मान देख अम्ल प्लस क्षारक कौन है लवण प्लस जल उत्पन्न होची मीन्स एटी धातव ऑक्साइडा कौन क्षारक रूपे काम करुचे तो सेपर सेकेंड टे देख Al2O3 माने तुम कौन धातव ऑक्साइड ना ना धातव ऑक्साइडा NaOH माने कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड माने कौन एटा होची क्षारक तो ये क्षार सह प्रतिक्रिया कले तुम ये कौन लवण प्लस जल उत्पन्न होची तो यहाँ हूँ कौन क्षारक ताहल देख तो ये तुम कौन लवण प्लस जल को लवण प्लस जल अच्छी नेक्स्ट कौन क्षारक को क्षारक रहा तुम जो धातव ऑक्साइडा कौन अम्ल रूपे काम करुच्छी तो ये तुम कौन धातव ऑक्साइडा अम्ल रूपे काम करुच्छी बुझा पड़ी कि तो देख ये आम जान लें कौन धातव ऑक्साइडा उभय अम्ल आ क्षारक उभय धर्म से प्रदर्शन करुच्छी उभय धर्म गुण को से प्रदर्शन करुच्छी कौन कह उभयधर्मी ऑक्साइड बा एम्पोटेरिक ऑक्साइड बोली कहबा आई थिंक तुमको पूरा क्लियर बुझा पड़ जा तो नेक्स्ट देख तुम बहरी कौन दे
अधिकांश धातव अक्साइड जल रे अद्रवणीय किंतु किछि धातव अक्साइड जल रे द्रवीभूत होय क्षार सृष्टि करंती। देख अधिकांश धातव अक्साइड अद्रवणीय माने कोन अधिकांश धातव अक्साइड गुडा कोन जल रे द्रवीभूत हेबे नाही किंतु किछि धातव अक्साइड अछंती तो सेमाने कोन जल रे द्रवीभूत होय कि क्षार सृष्टि करंती। उदाहरण देख तो देख एटा तमन कोन Na2O माने होछि कोन सोडियम अक्साइड सोडियम रो अक्साइड रूप तमन कोन जल सह प्रतिक्रिया करछि प्रतिक्रिया कले कोन उत्पन्न होछि NaOH माने एटा होछि कोन सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन गोटे क्षार ना ना मान देख धातव अक्साइडा जल से कौन द्रवीभूत हो कि क्षार उत्पन्न करुच्छे माने ये आम जान लें कौन ये क्षार धातु हूँ कौन सोडियम तो से आगे हूँ कौन पोटासीयम अक्साइड जल से कौन द्रवीभूत हो कि सी कौन पोटासीयम हाइड्रोक्साइड माने कौन क्षार सृष्टि करुच्छे बुझा पड़ी तेल आम जान लें कौन क्षार धातु गुड़ाक हूँ कौन सोडियम और पोटासीयम हूँ कौन क्षार धातु। तो नेक्स्ट देख कौन देती तुम्हें आम 3.9 रु आम जाना जे सब धातु अक्सीजेन सह सामान बेगर प्रतिक्रिया करती ना तो देख आम जो तुम्हें आम 3.9 तो आम जो धातु गुड़ाक नमूना ने तो सब धातु आम कौन अक्सीजेन सह प्रतिक्रिया करुचे तो सब धातु समान परिमाण रे से ऑक्सीजन सहित प्रतिक्रिया करिबो नाही। पोटासियम एवं सोडियम परी धातु को जदि बाहर रखी दिया जाए एते जोर रे प्रतिक्रिया हुए जे सेगुडी करे निया लागि जाए। देखो सोडियम एवं पोटासियम को जदि आमे बाहर रखि देबा ताहाले से बाहर रो जो साधारण तापमात्रा रे कोन से एते जोर रे प्रतिक्रिया होबो जे से सेथिरे निया लागि जिवो मान देखो एडी सोडियम आ पोटासियम होची कोन अधिक प्रतिक्रियाशील धातु तेनु कर देखो आमे स्टार्टिंग रु पढीथिले सोडियम को कोन किरोसिन रे बुडाई के रखा जाय थाए काहे कि तो सोडियम कौन अधिक प्रतिक्रियाशील धातु। से नेक्स्ट कौन देख साधारण तापमात्रा रे मैग्नीशियम आल्युमिनियम जिंक लेड इत्यादि धातु गुड़िकर पृष्ठतल एक पतला ऑक्साइड रो आवरण रही है तो नॉर्मल टेम्परेचर रे कौन मैग्नीशियम आल्युमिनियम जिंक आउ लेड तो एमानकर जो पृष्ठतल रे कौन साधारण पतला ऑक्साइड रो आवरण रही है तो ए जो ऑक्साइड रो स्तर द्वारा से गुड़ा कौन क्षय होइ नथाय बुझा पड़ुछि। तो नेक्स्ट देख कौन देछि लुहा को उत्तप्त कले जले ना किंतु लुहार गुंड को अग्निशिखा छिंची देले खूब शीघ्र जले जाए तो देख लुहा को जदि आम गरम करवा से जलब कि जलब ना किंतु देख लुहार जो गुंड गुड़ाक जदि आम कौन निर जब छिंची देवा कौन ता खूब शीघ्र जलिजी। सेपरि तंबा निरे जले ना मात्र उत्तप्त धातु कपर टू अक्साइड एक कला आवरण द्वारा आच्छादित होता है। सेपरि कौन मान देख तंबाक जदि आम निरे जलवा तो सी कौन जलब ना कि जो उत्तप्त धातु में कौन कला रंगर आस्तरण सृष्टि होता है। तो सेपरि नेक्स्ट देख रूपा एवं सुना अक्सीजेन सह एपरिक उच्च तापमात्रा प्रतिक्रिया करती ना देख रूपा आ सुना अक्सीजेन सह कौन जिते उच्च तापमात्रा हेले से कौन प्रतिक्रिया करना तो यहपर के पॉइंट गुड़ाक मन रखीद तुम्हें कम 3.9 तुम गोटे क्वेश्चन पचरिया से कौन धातु गुड़ाक जो प्रतिक्रियाशीलतार कौन ह्रास कमर सजाई लिखा कहुई तो सैटा देख ये मुझे लिखिदेगी तुम देख पोटासीयम सोडियम आउ कैल्सीयम हूँ कौन अधिक प्रतिक्रियाशील धातु। तो नेक्स्ट आसे तुम कौन मैग्नीशियम आल्युमिनियम जिंक आयरन है PbH ये सब हूँ कौन ह्रास कमर प्रतिक्रियाशील तो मैंने कौन अधिक रू कौन आस्ते आस्ते कम प्रतिक्रिया कम हो जाऊँगी। नेक्स्ट तुम आसा देख ए जो AG आउ AU माने कौन तुम सुना आउ रूपा एगुड़ा हूँ कौन अति कम प्रतिक्रियाशील बुझा पड़ी तो जिते टेम्परेचर हेले कौन एगुड़ा प्रतिक्रियाशील कर तो देख ये आ गए इंपोर्टेंट पॉइंट गुटे मन रखी एनोडाइजिंग माने कौन तो देख तुम बही कौन दे एनोडाइजिंग आल्युमिनियम रे एक मोटा ऑक्साइड प्रलेप देवार एक प्रणाली तो देख आल्युमिनियम को जदि आम बाहर रखा तो कौन हम आल्युमिनियम चारिपटे एक पतला आस्तरण सृष्टि हे तो जहाँकि कौन से संक्षारण को प्रतिरोध कर माने कौन आल्युमिनियम को जो क्षय होबार से कौन प्रतिरोध कर तो से जो पतला आस्तरण को मोटा करिवारे कौन आम एनोडाइजिंग प्रणाली आम व्यवहार करवा तो एनोडाइजिंग प्रणाली मैंने देख ये आल्युमिनियम को कौन एनोड सहित संयुक्त हो तो आम जाने एनोड आउ कैथोड मैंने कौन आम जो बैटेरी आम जो प्लस माइनस सब अच्छे ना कौन एनोड आउ कैथोड बोली कहे कौन आल्युमिनियम को एनोड सहित संयुक्त कराए से कौन लघु सल्फ्यूरिक एसिड सह विश्लेषण कराए तो से एनोड थे ऑक्सीजन सृष्टि हे से जो ऑक्सीजन टा आल्युमिनियम सहित प्रतिक्रिया कर तो गोटे मोटा प्रतिरोध बा गोटे मोटा आस्तरण सृष्टि हे बुझा पड़ी तो सीटा हूँ तुम कौन एनोडाइजिंग प्रणाली बुझा पड़ी कि तो एनोडाइजिंग प्रणाली मैंने कौन एनोडाइजिंग प्रणाली कौन आल्युमिनियम को एनोड सहित संयुक्त हो तो नेक्स्ट कौन से लघु सल्फ्यूरिक एसिड पकड़ा द्वारा सेथिरे कौन एनोड थारे ऑक्सीजन गैस उत्पन्न हो से जो ऑक्सीजन टा आल्युमिनियम सह प्रतिक्रिया करी गोटे मोटा आस्तरण सृष्टि हे जहाँ फल कौन आल्युमिनियम को कौन संक्षारण से प्रतिरोध कर बुझा पड़ी तो यहाँ हूँ कौन एनोडाइजिंग प्रणाली। देख ये एनोडाइजिंग मान हूँ कौन देख संक्षारण को प्रतिरोध करने ऑक्साइड रो आवरण तो ऑक्साइड रो आवरण को मोटा कराए बुझिपार ऑक्साइड रो आवरण कौन मोटा कराए तो धातु पृष्ठ में मोटा ऑक्साइड आवरण सृष्टि करने पद्धति को आम कौन कह एनोडाइजिंग कह।
କରିବା ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ତ ଏଠି କ'ଣ ଧାତବ ପୃଷ୍ଠରେ ମୋଟା ଅକ୍ସାଇଡ଼ର ଆବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଏନୋଡାଇଜିଙ୍ଗ ବୋଲି କହିବା ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ତ ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଧାତୁ ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।